भगवान सूर्य देव की पूजा रविवार के दिन की जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पाता है। सूर्य देव नित्य प्रति सामान्य जल के अर्ध एवं रविवार के व्रत से परम प्रसन्न होकर भक्त को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करा देते हैं। तो आइए जानते हैं रविवार व्रत की विधि के बारे में। रविवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है। व्रत कम से कम 1 वर्ष, 5 वर्ष या अधिकतम 12 वर्ष तक करना चाहिए। रविवार के व्रत के दिन सबसे पहले जातक को पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुड़, गुलाल, कंडेल का फूल इत्यादि। जातक को सूर्यदेव की पूजा सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए और भोजन मात्र एक ही समय करना चाहिए। रविवार के दिन सबसे पहले प्रातःकाल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र पहन ले। अपने मस्तक पर लाल चंदन से तिलक लगावे। एक तांबे के कलश में जल लेकर उसमें अक्षत, लाल रंग के पुष्प, रूली इत्यादि डालकर सूर्य भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमन करें और अर्घ प्रदान करें। इसके साथ ही ओम हाम हीम होम स्वं सूर्याय नमः मंत्र का जितना जप हो सके उतना करें। रविवार के व्रत वाले दिन भोजन सिर्फ एक ही समय करें, वो भी सूर्यास्त से पहले। भोजन बिल्कुल सामान्य होना चाहिए, तला हुआ मिर्च मसाला में पकवान नहीं होना चाहिए। भोजन करने से पहले कुछ भाग बालक या बालिका को खिलाकर मंदिर में दान करके फिर खाना चाहिए। व्रत के दिन सभी तरह के फल, औषधि, जल, दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थ के सेवन करने से रविवार का व्रत नष्ट हो जाता है। यदि बिना भोजन किए सूर्य अस्त हो जाता है तो अगले दिन सूर्यास्त के पश्चात सूर्य को अर्घ प्रदान करने के बाद ही भोजन करें। भोजन में गुड़ का हलवा भी बनाया जा सकता है। सबसे अंतिम रविवार को जातक को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एक योग्य ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाना चाहिए। रविवार व्रत करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के समय खाना वर्जित होता है और दिन में सोना नहीं चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से व्रत प्रारंभ करना अधिक फल प्रदायक होता है। माघ मास की सप्तमी तिथि को उसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत का उद्यापन करना श्रेष्ठ होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।